आशीष देगा। तो यहाँ पर चौथा अध्याय में आपको परमेश्वर का सिंहासन को दिखाई देगा। अभी मेरे स्क्रीन पर ये जो फोटो है, ये एक चित्रकार ने कोशिश किया कि परमेश्वर का सिंहासन कैसा होगा, उन्होंने चित्र बनाया। लेकिन इससे भी बढ़िया, इससे भी अनेक अनेक 100 हजार गुना अच्छा परमेश्वर का सिंहासन होगा। तो ये हर प्रकार का चित्रकार फेल होगा परमेश्वर का महिमा का को आर्ट करने में, आर्ट आंकने में। लेकिन अगर ये सिंहासन शब्द अगर आपके शास्त्र में अगर आप नोट डाउन करेंगे, इस अध्याय में आपको 9 बार सिंहासन का शब्द मिलेगा। 9-10 बार ये चौथा और पांचवा अध्याय में सिंहासन 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 ये शब्द सबसे ज्यादा रिपीट किया गया है। तो इसका मतलब है ये सिंहासन के बारे में है, परमेश्वर का सिंहासन कैसा है, क्या है, उसके आजू बाजू में, उसके सामने, उसके उसके करीब, ये सारी चीजें जो है इसके बारे में लिखा गया। तो इंग्लिश में इन शब्दों को प्रेपोजिशंस बोलते हैं। तो वर्सेस, डू यू नो व्हाट प्रेपोजिशंस आर इन इंग्लिश? व्हाट आर प्रेपोजिशंस? Do you remember? I can't define, but I can say the word like off, in, and Yes. like this are. Very good. Okay. So you are sitting on a chair. Okay. So who is on the throne? परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर कौन है? ओके, वह तीसरा वचन में, वो तीसरा वचन में आपको मिलेगा परमेश्वर के सिंहासन पे कौन है। ये जो है, मेरा विश्वास है कि ये पिता है। ओके, सिंहासन पे परमेश्वर पिता बैठे हैं। अभी परमेश्वर पिता का रूप क्या है वो लिखा नहीं है, कैसा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह का रूप बताया गया, वो मेमने के समान है। ये तो हमको साफ दिखाई देगा। वो छठा अध्याय चैप्टर 6 में हमको दिखता है पर प्रभु यीशु मसीह का रूप क्या है। तो ये मेरा विश्वास है कि ये पिता सिंहासन पर है। ओके, गॉड इज ऑन द थ्रोन। ओके, अभी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इनका अलग अलग वैसे हम लोग नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिवाइड गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। वो एक ही है, लेकिन परमेश्वर का पूरा रूप जो है वो इस सिंहासन पर है। और इसका मतलब नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह उस सिंहासन पे नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। प्रभु यीशु मसीह भी है। ओके, सो गॉड परमेश्वर उस सिंहासन पर है। ओके, और इसका रूप कैसा है वो बताने का कोशिश कर रहा है कि मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ, इसमें है। पास हाँ, में है, पास में, बस पास में। हाँ, वर्स 5। वर्स 5 यहाँ पे परमेश्वर के साथ लिखा है। हाँ, परमेश्वर के ये साथ। जो 3 में जो है वो परमेश्वर ही है। यस, ओके। तो वहां पर ये पत्थरों के नाम, एमरल्ड, जैस्पर, ये पत्थर जो है, ये पत्थरों का जो रंग है आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जी हाँ हाँ, तो ये है हाँ एमरल्ड। ओके, एंड सार्डिस, ये इन इनके रंग जो है वहां पर उनको दिखाई दे रहा था। और वहां से पांचों वचन में आपने पढ़ा कि देवर देवर्स लाइटनिंग,
ओके पांचों वचन आपने पढ़ा ना, तो एंड फ्रॉम द थ्रोन ओके परसेस वेयर इज द प्रेपोजिशन इन वर्स 5 व्हाट इज द प्रेपोजिशन इन वर्स 5 from okay from is the preposition from the throne sihasan se sihasan se kya nikal raha tha bijliya yes okay ye bijli so from the throne ye bijli chamak raha hai matlab sihasan se ye ek preposition hai ओके सिंहासन से ये बिजली निकल रहा है सिंहासन के ऊपर परमेश्वर बैठा है सिंहासन से ये बिजली चमक रहा है ओके अभी सिंहासन के चारों ओर क्या है व्हाट इज अराउंड द थ्रोन वर्स 4 चौथा वचन में आपको मिलेगा सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन ओके और इन सिंहासन पर मैंने देखा 24 प्राचीन सफेद वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट थे राइट ओके तो ये चारों ओर सो दिस इज द प्रेपोजिशन अराउंड मतलब उसके घेरे हुए ये 24 और छोटे छोटे सिंहासन है देयर स्मॉलर स्मॉलर थ्रोन्स तो इस सिंहासन पे कौन बैठे है 24 सिंहासन के सिंहासन में 24 प्राचीन 24 प्राचीन बैठे हैं अभी प्रश्न ये उठता है ये प्राचीन कौन है और मेरा विश्वास है मेरा समझ ये है कि ये अभी हमारे मंडलियों में कलीसियाओं में हम लोग एल्डर्स रखते हैं एल्डर्स होते हैं हमारे और ये एल्डर्स का काम क्या है हमारे मंडलियों में विश्वासी को देखरेख करना हाँ उनके आत्मिक जीवन को बढ़ाना उत्साही करना या अच्छा तो ये सिंहासन जो ये छोटे छोटे सिंहासन पे जो बैठे हैं ये प्राचीन लोग है मेरा विश्वास है कि ये चर्चेस के है अभी प्रश्न ये होता है कि कौन सा समय का मंडली का है तो मेरा विश्वास है कि मंडलियों का शुरुआत से मतलब पहला शताब्दी से प्रभु के आगमन तक जितने भी साल बीतेंगे वहां से प्रभु यीशु मसीह ये प्राचीनों को चुनेगा और उन प्राचीनों को इन सिंहासन पे बैठेगा अभी मैं जाके बैठ सकता हूँ क्या या दूसरा कोई जाके बैठ सकता है क्या नहीं क्योंकि इस इन सिंहासनों पर बैठने का अधिकार कौन देगा आपको याद है जब याकोब और योहान जॉन के जो माँ है प्रभु यीशु मसीह के पास गए और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास गए तो याकूब और योहान के मां ने प्रभु यीशु मसीह से क्या विनती किया आपके दाहिने और बैठने के लिए हाँ दाहिने और बाएं तरफ उनको मेरे बेटों को आप बिठाओ तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला देखो ये मेरे लिए नहीं है मैं ये अधिकार नहीं दे सकता ये सिर्फ पिता दे सकते हैं कि इन सिंहासन पर कौन बैठेगा ये पिता परमेश्वर ही दे सकता है ठीक है तो इस सिंहासन पे मैं मेरा विश्वास है कि ये चर्चेस के मंडलियों के प्राचीन लोग बैठने वाले हैं और ये कौन है ये प्राचीन लोग वो पिता परमेश्वर ही जानते हैं जब हम स्वर्ग जाएंगे तभी हमको पता चलेगा कि ये इन सिंहासन पे कौन है ये प्राचीन लोग ठीक है अभी आगे सिंहासन के सामने और क्या है वो आपने पांचवें वचन में पढ़ा
और उस सिंहासन में से बिजलिया और गड़गड़ाहटे और गरजने और बानिया निकलती है। वहां सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे थे। ये परमेश्वर की सात पवित्र आत्माएं हैं। ओके, तो पवित्र आत्मा भी वहां पर है। पवित्र आत्मा के सात आत्मे है। अभी मैंने जो बोला था ये सात अलग अलग आत्मा नहीं, सात अलग पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन ये क्या है? सात गुण। हाँ, पवित्र आत्मा के सात गुण। वो हम यशया का किताब से देखा वो क्या अलग अलग गुण है। ठीक है, और अभी और उसके सिंहासन के करीब में चार अलग अलग प्राणी है। वो आप सातवां वचन में अपने पढ़ा, वर्स 7। ओके, क्या प्राणियां है और क्या आत्मा जीव है? पहला प्राणी सिंह के समान था और दूसरा प्राणी बछड़े के समान और तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का जैसा। हाँ। और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान था। ओके, तो ये एक पहला है लायन की तरह, लाइक अ लायन। दूसरा जो है इंग्लिश में ऑक्स बोलते हैं, ऑक्स, या हिंदी में सांड बोलते हैं, मेल मेल। ओके, तीसरा जो है वो मनुष्य का सिर है उस जीव के ऊपर, और चौथा जो है ईगल की तरह। ओके, तो ईगल को क्या बोलते हैं हिंदी में? चील। चील, चील की तरह। ओके, तो इन चार अलग अलग प्राणियों का क्या विशेष रूप है, कोई बता सकता है? सिंह कहाँ का राजा है? जंगल का राजा। जंगल का राजा है। ओके, सो ही इज द किंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, मतलब जंगली जानवरों में सबसे ताकतवर ताकतवर माना जाता है। और दूसरा जो है ऑक्स, ऑक्स जो है पालतू जानवरों में से सबसे शक्तिशाली है। ओके, बाकी के जानवर तो हम पालते नहीं है, लेकिन ये जो है ऑक्स जो है पुराने जमाने का ट्रैक्टर था ये, और हर कठिन काम, किसान का काम ये कर सकता था। और मनुष्य जो है वो किसके लिए माना जाता है? क्या श्रेष्ठ है मनुष्य जाति में जो दूसरे जानवरों में या प्राणियों में नहीं है? बुद्धि। बुद्धि में, बुद्धि, यस, इंटेलिजेंस। ओके, तो ये बुद्धि मान है। और ईगल पक्षियों में, पक्षियों का राजा माना जाता है। ईगल इज द किंग अमंग द बर्ड्स, मतलब हर प्रकार के जीव में से सबसे श्रेष्ठ जो है वहां पर आपको मिलेगा। लेकिन ये चार जीव वहां पर क्या कर रहे हैं? क्या होता है? वर्स एट, वर्स एट, या। और चारों जीवित प्राणियों में से प्रत्येक के छह पंख थे और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें थी, और वे दिन और रात बिना विश्राम लिए या कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्ति महान, जो था और जो है और जो आने वाला है। तो ये लोग सब समय परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं और एक गाना गा रहे हैं, पवित्र पवित्र परमेश्वर, होली 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 इज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी।
तो यहाँ पर पांच चौथा और पांचवा अध्याय में, प्रकाशित वाक्य का चौथा और पांचवा अध्याय में आपको पांच अलग अलग गाने मिलेंगे, 5 hymns और 5 songs फ्रॉम चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। तो पहला गाना जो आपने अभी पढ़ा वो 8वां वचन में, दूसरा गाना जो है ये 11वां वचन में आपको मिलेगा। दोबारा हे बोलो। हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ पाने के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुओं को सृजा है और वे तेरे आनंद के लिए थी, वे बस अस्तित्व में है और सृजी गई थी। राइट तो ये गाना जो है ये प्राचीन लोग गा रहे हैं। ओके, पहला गाना जो है ये चार जीव आत्मा वहां पर गा रहे हैं, दूसरा गाना जो है वर्स 11 में ये प्राचीन लोग, जो ये 24 elders प्राचीन लोग जो है वो लोग गाना गा रहे हैं। अभी अगला गाना जो है आपको 5वां अध्याय और उसका 8वां वचन में मिलेगा, चैप्टर 5 वर्स 5 वर्स 8 में आपको अच्छा मिलेगा। एट में ओके, 8 में आप लोग पढ़ो वर्स 8 एंड 9। और जब उसने पुस्तक ले ली थी तो चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणाएं और सुगंधित धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो संतों की प्रार्थनाएं हैं और उन्होंने यह नया गीत गाया। तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तू बद्ध किया गया था और अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को छुड़ा लिया है। हाँ, तो ये गाना में जो है ये गाना जब गा रहा है तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इंग्लिश में 8वां वचन में आपको हार्प्स बोला गया, हार्प्स मतलब हार्प्स जो है गिटार की तरह है, तारे हैं गिटार के स्ट्रिंग्स जो जैसे है वैसे है। तो ये एक गाना है जो गा रहा है, लेकिन ये गाना जो है ये एक विशेष गाना, मैं बाद में बोलूंगा। ओके, तो ये तीसरा गाना था। चौथा गाना आपको 11वां वचन में मिलेगा, चैप्टर 5 वर्स 11। और मैंने देखा और मैंने सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत की वाणी सुनी, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी। 12 also वर्स 12 also। वे ऊंचे स्वर से कह रहे थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन संपत्ति और बुद्धि और शक्ति और आदर और महिमा और स्तुति के योग्य है। ओके, तो ये गाना जो है कौन गा रहा है? स्वर्गदूत स्वर्गदूत। और कितने स्वर्गदूत हैं? लाखों करोड़ों है। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत। अभी जरा देखो ये गाने का जो ऑर्डर है, पहले पहला गाना कितने गा रहे हैं? 4 जीबी 4 जीबी 5 जीव। दूसरा गाना कौन गा रहा है? 24 प्राचीन। 24। और तीसरा गाना कौन गा रहा है? 4 और 24 दोनों लोग। हाँ, 4 और 24 चार दोनों लोग, हाँ और संत लोग भी है। हाँ हाँ, जी, 24 संत लोग भी है। संत लोग भी है वहां पर, ठीक है। हाँ और चौथा गाना हाँ कौन गा रहा है?
स्वर्गदूत, स्वर्गदूत वहां पर करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत। अभी पांचवा गाना जरा देखो कौन गा रहा है, वो पांचवा गाना आपको 13वां वचन में मिलेगा। और प्रत्येक प्राणी जो कि स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और ठीक जैसे कि समुद्र के अंदर है और जो कुछ उनमें है, उन सब कुछ को यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और सामर्थ सदा सर्वदा होती रहे। हाँ, अभी प्रियजन में आपको ये एक विशेष चीज बताना चाहता हूँ। और पहला गाना जो है वो चार जीवात्मा वहां पे कर रहे, दूसरा गाना जो है ये जो 24 जो प्राचीन है वो गा रहा है, लेकिन तीसरा गाना जो है वो हम लोग गाने वाले हैं जो बचे हुए हैं, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लहू से उद्धार पाया है। क्योंकि वहां साफ लिखा है नवा वचन में, वहां उसके फॉर यू वर किल्ड एंड योर ब्लड हैज रैंसम्ड पीपल फॉर गॉड, मतलब प्रभु यीशु मसीह का रक्त, प्रभु यीशु मसीह के लहू से, उसका खून से हम खरीदे गए लोग हैं। और ये गाना सिर्फ हम लोग गा सकते हैं, सिर्फ मंडली, सिर्फ चर्च, सिर्फ कलीसिया के लोग ये गाना गाएगा। और उनके प्राचीन जो है 24 एल्डर्स वो लोग हमारे साथ ये गाना गाएगा। लेकिन स्वर्गदूत क्या ये गाना गा सकता है क्या, हमको आपके लहू से खरीदा गया है, ये स्वर्गदूत गा रहे क्या चौथा गाने में वो 12वां वचन में, स्वर्गदूत ऐसा गा रहे क्या? नहीं गा रहा, नहीं गा रहा है, ठीक है। और 13वां वचन में जो जो पृथ्वी पर है और पृथ्वी के नीचे मतलब जो नरक में है वो क्या ऐसा गाना गा रहा है क्या, हम आपके लहू से हम लोग खरीदे गए हैं ऐसे लोग हैं? नहीं। तो ये एक विशेष गाना है, सिर्फ मंडली के, सिर्फ उद्धार पाए हुए लोग गाने वाले हैं। तो आज हम लोग ये गाना गा सकते हैं, ठीक है। एक दिन सब लोग गाना गाएंगे और हर घुटना टेकेगा और बोलेगा कि यीशु प्रभु है करके बोलने वाला है वो एक दिन, चाहे वो पृथ्वी पर हो या नरक में हो, नरक के लोग को भी वहां से उनको गाना गाना पड़ेगा और यीशु प्रभु है करके उनको बोलना पड़ेगा। लेकिन वो लोग हम उद्धार पाए हुए लोग करके वो कभी गाना नहीं गा सकता है, ये उनके लिए बहुत ही दुख और दर्द की बात है। लेकिन हम कितने क्या बोल रहे हैं, ब्लेसेड, हमको कितना बड़ा आशीष मिला है कि हमको उद्धार मिला है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको मिला है, ठीक है। और यही हर इंग्लिश में फ्रॉम एवरी ट्राइब एंड एवरी नेशन, मतलब हर प्रकार के जाति से, हर प्रकार के देश से, हर प्रकार के भाषा बोलने वाले लोगों से वहाँ प्रभु यीशु मसीह के सामने ये बोलेंगे कि हमारा आपके लहू से हम लोग खरीदे गए लोग हैं। तो ये पांचवा अध्याय में हम लोग देख सकते हैं, ओके। तो ये पांच अलग अलग गाने हैं, ओके। पांचवा अध्याय का पहला वचन थोड़ा सा पढ़ो, पहला वचन। यस, जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह सात मुहर लगाकर बंद की गई थी। हाँ, तो ये यहाँ पर पांचवा अध्याय में आपको एक पुस्तक देखने को मिलेगा और वो पुस्तक इंग्लिश में उसको सील बोला गया, सील से बंद किया गया, मोहर बोला ना हिंदी में, जी हाँ मोहर। तो ये मोहर से ये पुस्तक को बंद किया गया। और वहां पर दूसरा वचन में एक प्रश्न पूछा है, वो पढ़ो।
फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा और जो उच्च शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? तो प्रश्न यह है कि इस पुस्तक को खोलने खोलने के लिए कौन है योग्य, तो क्या हो सकता है इस पुस्तक के अंदर? आप जरा बताओ, सोचो, सोच के जरा बताओ क्या हो सकता है इस पुस्तक के अंदर। ये जीवन का पुस्तक है। जीवन का पुस्तक है, ओके। इसमें नाम लिखा है, ओके। जीवन का पुस्तक हो सकता है ना। इसको खोलने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को ही है। ओके, इसको खोलने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को क्यों है? दूसरा कोई स्वर्गदूत नहीं खोल सकता? हाँ, उसी को कहीं पे एक जगह में लिखा है, उसको स्वर्ग और पृथ्वी का चाबी उसके हाथ में देने वाला। ओके, ठीक है, ठीक है। अभी मैं अपना घर का एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। मेरे पिताजी का थोड़ा सा प्रॉपर्टी है, जमीन है, घर है, ठीक है। और उस जमीन का जो अगर मेरा पिताजी जब चल बसेंगे, तो उस जमीन या उस घर का लेने का अधिकार किसको होगा? आपको। वो मुझे मिलेगा, तो मुझे ही वो अधिकार मिलेगा, क्योंकि ये मेरा पिताजी का जमीन है, ये मेरा है करके मैं बोल सकता। अधिकार सिर्फ मुझको मिलने वाला है। अभी पृथ्वी का मालिक कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर। और परमेश्वर जो है वो पृथ्वी का मालिक बनने का अधिकार सिर्फ अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ही दे सकता है। और ऐसा क्या किया प्रभु यीशु मसीह कि उसने ये अधिकार मिला है? वो आपने नवा वचन में आपने पढ़ा, उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है। तो ये पुस्तक जो है, मेरा विश्वास है कि ये पृथ्वी का मालिक बनने का अधिकार है। और मेरा पिताजी का जो अलमारी में उन्होंने जो भी महंगा मतलब कागज पत्र जो है प्रॉपर्टी का या जो भी है, वो एक फाइल में उन्होंने बात के रखा है, कोई खोल नहीं सकता है। तो वो जब पापा जब बोलेगा कि बेटा ये ले लो, आज से ये सब तुम्हारे हैं, तो वो अधिकार मुझे मिल जाएगा, और जो भी है मेरे पापा का है वो मेरा बन जाएगा। तो उसी प्रकार से परमेश्वर पिता जो है, ये दुनिया को चलाने का अधिकार, दुनिया पे जो भी कुछ करने का जो अधिकार है, वो अभी पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देने वाला है। और आगे जो आने वाले जो चैप्टर्स है, चैप्टर 6 में जब हम देखने वाले, चैप्टर 6-7, वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया को कैसे राज करेगा, कि अभी वो मालिक बन गया, पृथ्वी का मालिक वो है, क्योंकि अब इस पृथ्वी का मालिक बनने का अधिकार, अभी वो क्या करेगा मालिक बनने के बाद, तो वो हम 6-7 मतलब आगे का चैप्टर्स में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे वो अपना राज्य को स्थापित करने वाला है। लेकिन उससे पहले वो उसको अधिकार मिला है या नहीं मिला है, और कैसा मिला है, वो उस 5वां अध्याय में आप लोगों ने देखा। तो मुख्य बात यह है कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है। और जब ये प्रश्न किया कि हु इज वर्थी, मतलब किसको अधिकार है, तो जॉन ने देखा कि कोई नहीं है। तीसरा वचन जरा देखो, वर्स 3, 5वां का 3रा वचन, और ना तो स्वर्ग में, ना ही पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने के योग्य नहीं, ना ही उस पर दृष्टि डालने की योग्यता। हाँ, तो इसका मतलब देखो, पुराने नियम में बहुत सारे महान लोग आके चले गए। अब्राहम महान व्यक्ति, हाँ, विश्वास का पिता माना जाता है। दाविद राजा जो है सबसे अच्छा राजा इसराइल देश का माना जाता है।
बहुत सारे संत लोग आके चले गए, एलाइजा महान भविष्य वक्ता थे, लेकिन इनमें से किसी को अधिकार नहीं है वो पुस्तक खोलने का। इसलिए चौथा वचन में वहां पर जॉन जो है रोने लगता है। चौथा वचन में देखो कि जॉन रोने लगता है, और मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक को खोलने और उसे पढ़ने के योग्य कोई मनुष्य ना मिला। और वहां पर वो प्राचीन जो है, प्राचीनों में से एक प्राचीन वहां जॉन को बोलता है, अरे क्यों रो रहा है, देखो वर्स फाइव पांचवा वचन में, और प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का सिंह हाउस का मूल पुरुष को खोलने और उसकी सातों मुहरें तोड़ने के लिए विजयी हुआ है। तो उसने क्या देखने को बोला, कौन है? हाउस का सिंह। ओके, उसने बोला देखो लायन, ओके एक सिंह को देखो, लेकिन जॉन को सिंह दिखाई दिया क्या? छठा वचन में, और मैंने देखा और देखो उस सिंहासन और चारों प्राचीनों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में एक वध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा। वह मानो वध किया हुआ मेमना था, उसके साथ सिंह और सात आंखें थी, जो कि सात आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। हाँ, तो वो वो प्राचीन जो बोला देखो वहां पर द लाइन है, लाइन होगा, लाइन ऑफ द ट्राइब ऑफ जुड़ा, लेकिन उसको वहां लाइन नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसको एक मेमना दिखाई दिया। तो और वो मेमना किस प्रकार से दिखाई दिया? उसके सात सिंह और सात आंखें थी। ओके, मतलब वध किया हुआ, ही वाज लाइक अ वध किया हुआ। हाँ, वध किया हुआ मेमना। और ये हम जानते हैं कि ये अपना प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर मरा हमारे पापों के लिए, वहां पर उनको वध किया गया था, और प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ, और यही प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जीवित उठा, वही प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में वही योग्य है उस पुस्तक को खोलने के लिए, वही है जो वो दाविद का वंश से आया हुआ सिंह है, और वो परमेश्वर का मेमना भी है, वो सिंह भी है और मेमना भी है। He is a lion and a lamb. तो ये अपना प्रभु यीशु मसीह जो है, और हर जाति के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने उसके लहू से खरीदे गए लोग पाने वाले हैं। तो ये आपको चौथा और पांचवा अध्याय में दिखाई देता है। तो कोई प्रश्न है इस चैप्टर 4 और 5 से? हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है बेटा? जी जी जी, कंटिन्यू। ओके, ओके, तो यहाँ 11 और 12 भी आपने पढ़ लिया ना बेटा? जी जी जी। ओके, 13 भी पढ़ा। ओके, तो 11 और 12 जो है ये लाखों करोड़ों स्वर्गदूत गा रहा है, ठीक है? तो ये चौथा गाना है। पहला गाना जो हमने देखा ये 4 जीवों ने गाया,
दूसरा गाना जो है 24 जो प्राचीन है उन्होंने गाया, तीसरा गाना जो है मंडली चर्च के लोग जो हम लोग एक दिन स्वर में गाएंगे वो तीसरा गाना है, चौथा गाना जो है 11 और 12 में जो लाखों करोड़ों स्वर्गदूत है वो उस गाना गाने वाले हैं, और पांचवा गाना जो है वो 13वां वचन से कौन गा रहा है? 13वां वचन दुबाना पढ़ो कर। फिर मैंने स्वर्ग में आप पृथ्वी पर आपके नीचे और समुद्र की सब भीगी हुई वस्तुओं और सब कुछ जो उनमें है ये कहते सुना जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमना का धन्यवाद और आदर और दक्षिणा वाक्य स्वर्णद्यूत है। हाँ तो ये गाना जो पढ़ लेना करो। ओके तो ये गाना जो है हर जीव गा रहा है। देखो यहाँ पर किस प्रकार से लोगों का संख्या बढ़ रहा है, पहला 4 उसके बाद 24 उसके बाद पूरा जो मंडली पूरा चर्च जो है वो गा रहा है, उसके बाद जितने भी स्वर्ग भी वो लोग गा रहा है। अभी ये जो 13वां वचन पे आप देख रहे हैं कि स्वर्ग में और पृथ्वी में, तो स्वर्ग में और पृथ्वी में तो पृथ्वी पर पापी लोग हैं, पृथ्वी पर परमेश्वर का न्याय करने वाले हैं, तो ये पापी लोग उनको भी गाना गाना पड़ेगा और उनको भी यीशु प्रभु है करके उनको बोलना पड़ेगा। और ये हम जानते हैं कि फिलिपी का दूसरा अध्याय 10 और 11 पढ़ो, फिलिपीन चैप्टर 2 वर्स 10 एंड 11। दो और 10 और 11 कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं उन्हें सब इसी के नाम पर सूचना देके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक चीज अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ तो ये भविष्य में होने वाले कि हर जीव मतलब जो नरक में भी फेंके गए लोग उनको भी घुटना टेकना पड़ेगा और यीशु प्रभु है करके स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन किरण वो बहुत देर होगा नर्क से, अगर आपने यीशु प्रभु है करके स्वीकारा कुछ लाभ नहीं है, समय अभी है, उद्धार का समय आज है, आज आप यीशु प्रभु है करके स्वीकारो। ऐसा एक दिन सब घुटना टेकने वाले हैं लेकिन वो बहुत देर हो जाएगा, तो समय आज है, अनुग्रह का समय आज है कि हम उद्धार पा सकते हैं। क्योंकि यदि आप पृथ्वी पर हो या नरक में हो आपको बोलना ही पड़ेगा यीशु प्रभु है करके। लेकिन प्रियजन मैं आपको दोबारा ये जो 8वां और 9वां वचन जो है ये हम लोगों के लिए बहुत ही विशेष है, ये आपके लिए विशेष है। क्यों ये विशेष है, क्यों इसमें क्या लिखा है कि हम लोग खुशी मना सकते हैं, इस प्रकार का गीत हम लोग गा सकते, क्या इस गाना में है? सबसे पहले कि हर जाति के लोग, अभी इस कॉल में कितने जाति के लोग जुड़े हैं हम नहीं जानते, लेकिन हमारा जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में कितने प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग हैं, अगर आप काउंट करने लगेंगे तो 10-12 अलग अलग प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग हैं हमारे जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में। इतने सारे लोग हैं जो अलग अलग भाषा बोलने वाले, और वहां से प्रभु यीशु मसीह लोगों को चुन रहा है और वो स्वर्ग में लेके जा रहा है। और ये क्या है, ये कैसे बचे हैं? ये बचे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू से। ओके प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू मेरे जैसे पापी के लिए, मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं, मैं कैसे आदमी था, कैसा पापी था, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और मुझे अभी प्रभु यीशु मसीह के सामने उसका सिंहासन के सामने मुझे उठाया। कितना खुशी और आनंद का दिन होगा, और हम वहां पर गाना गाएंगे प्रभु यीशु मसीह का, जय जयकार करेंगे वहां पर। और प्रियजन अगर आज इस धरती पर अब अगर आप प्रभु यीशु मसीह का स्तुति धन्यवाद नहीं करेंगे तो स्वर्ग में आप कैसे करने वाले हैं? प्रैक्टिस अभी आपको यहाँ पर करना है, प्रैक्टिस करो प्रभु यीशु मसीह का स्तुति धन्यवाद करने के लिए। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर इच्छा नहीं है प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद स्तुति करने के लिए, स्वर्ग में आपके लिए जगह नहीं है। क्योंकि स्वर्ग में जब आप जाएंगे आप प्रभु यीशु मसीह का स्तुति धन्यवाद करते ही रहेंगे,
चौबीस घंटा वहाँ प्रभु कृपया धन्यवाद करने वाले हैं। अगर प्रभु का आराधना यहाँ पर करने के लिए आपको बोर होता है, समय नहीं मिलता है, क्या करना है, तो स्वर्ग में आपको क्या जगह रखा है, क्यों जाएंगे स्वर्ग, क्या करना है आपको स्वर्ग में? अगर आपको संसारिक चीजों में आपका समय बर्बाद करना है तो सीधा नरक आपके लिए रखा है, क्योंकि स्वर्ग में हम प्रभु यीशु मसीह का स्तुति धन्यवाद करने वाले। अगर आप प्रभु यीशु मसीह का स्तुति धन्यवाद नहीं करना चाहते हैं तो स्वर्ग में आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ जो यीशु से प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, उनके लिए ये जगह है। जो प्रभु यीशु मसीह का स्तुति धन्यवाद करना चाहते हैं उनके लिए स्वर्ग है। तो हम अपना जीवन को परख कर देखेंगे कि मैं कैसा हूं, क्या मैं सचमुच प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, क्या सचमुच मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना हो, और कितना बड़ा उसने क्रूस पर अपना कितना बड़ा बलिदान उन्होंने किया, इसका अंदाजा आपको हो रहा है क्या? नहीं तो यहाँ पर ये पांचवा अध्याय में जब हम आते हैं, पांचवा अध्याय में ऐसा एक प्रश्न है, और वो प्रश्न क्या है जरा पांचवा अध्याय और उसका दूसरा वचन पढ़ो। परंतु ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। हाँ, तो यहाँ पर एक पुस्तक है, ठीक है, और उस पुस्तक को खोलने के लिए यहाँ पर कह रहे कि कोई योग्य नहीं है। तो वो पुस्तक क्या है, इसके अंदर क्या है हम तो नहीं जानते, लेकिन हमको आइडिया है कि पुस्तक क्या है। वो छठा अध्याय के आगे में हमको पता चलता है कि पुस्तक खोलने से क्या क्या हो रहा है। तो ये पुस्तक जो है एक प्रकार का जो अधिकार है। तो देखो, अगर आप जमीन खरीदते हो, जमीन का कागज पत्र होता है, और जिसके पास वो कागज पत्र है वो जमीन का मालिक है, और जिसके पास आज घर है, आपने आपने खुद का घर बनाया है, वो जानता है कि हम लोग कैसे जानते हैं कि वो जमीन और घर उसका है, वो कागज पत्र दिखाए। अभी पृथ्वी का मालिक कौन है? ये भी जमीन है, पूरा पृथ्वी, इसका मालिक कौन है? कौन योग्य है इस कागज पत्र पर अपना हाथ लगाने के? पुराने नियम में बहुत सारे बड़े लोग आते चले गए, अब्राहम है, हाँ, और बहुत सारे अच्छे अच्छे राजा आए, दाऊद राजा, सोलोमन राजा, और उसके बाद बहुत अच्छे नबी लोग, भविष्यवक्ता लोग भी है। वो लोग योग्य है क्या इसका पुस्तक को खोलने के लिए? नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है और ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर ना पृथ्वी के नीचे कोई इस पुस्तक को खोलने का योग्य नहीं है। इसका मतलब आप स्वर्गदूतों के बारे में बात करो, स्वर्ग में स्वर्गदूतों के नाम अगर आप हम आपको पूछेंगे क्या नाम है, तो बोलेगा गैब्रियल है, तो बोलेगा माइकल है, लेकिन ये योग्य है क्या इस पुस्तक को खोलने के लिए? वो भी नहीं है, कोई भी योग्य नहीं है इस पुस्तक को खोलने के लिए। तो इसको योग्य कौन है वो एक प्राचीन हमको बताता है, वचन पांच पढ़ो, पांच का पांच, रेवलेशन प्राचीनों से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्रों का उसकी जो दाऊद, हाँ, तो दाऊद का गोत्र से जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, और वो एक सिंह के रूप में है। ओके, तो वो दाऊद का गोत्र का सिंह ऐसा लिखा है, तो वो सिंह के रूप में है, लेकिन जब जॉन ने देखा छठा वचन में जब हम देखते हैं तो वहां सिंह नहीं देखा, सिंह नहीं दिखा, लेकिन क्या दिखा? छठा वचन पढ़ो, हेलो,
हेलो ब्रदर, आवाज आ रहा? हेलो हाँ, वर्स सामने सामने सिक्स, वर्स सिक्स पढ़ो ब्रदर। एक तब मैंने उस सिंहासन आप चारों प्राणी और प्राकृतों के बीच में मानो एक वक्त किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके साथ सिंह और सांप आते थी। ये परमेश्वर के सातों आत्माएं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। तो प्रभु यीशु मसीह एक सिंह भी है और एक मेमना भी है, और इसका जो मैं रेफरेंसेस खाली दे रहा, बाद में आप इन रेफरेंस को देख लेना क्योंकि समय निकल रहा है। प्रभु यीशु मसीह सिंह है और वो हम आदि पुस्तक मतलब उत्पत्ति का 49 वर्स 9 और 10 में हम लोग देख सकते हैं। खोलने का अभी जरूरत है, जरूरत नहीं है, लेकिन उत्पत्ति का किताब में जो है यहूदा का गोत्र का सिंह जो है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। और प्रभु यीशु मसीह मेमना भी है, वो भी आदि पुस्तक का 22 मतलब जेनेसिस 22:7 वहां पे भी उसके बारे में भविष्यवाणी किया गया था। और बपतिस्मा देने वाला यूहान, उन्होंने जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में देखा? उसने बोला कि यह परमेश्वर का मेमना है जो दुनिया का पाप को निकालने के लिए आया है। तो प्रभु यीशु मसीह वो मेमना है, प्रभु यीशु मसीह सिंह भी है। तो इससे हम लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है? पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह आया तो वो मेमने की तरह है, दूसरी बार जब प्रभु यीशु मसीह आ रहा है वो सिंह की तरह आ रहा है, मतलब न्याय करने के लिए आ रहा है, उसका क्रोध पृथ्वी पर गिरने वाले हैं और उससे आपको बचना है। तो बचने का रास्ता आज है, अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारेंगे, प्रभु यीशु मसीह से आपका पाप कबूल करेंगे, आपका पाप क्षमा उससे मांगेंगे और प्रभु यीशु मसीह को अगर आप अपनाएंगे तो उस क्रोध और कोप से आप बच सकते हैं। क्योंकि दूसरे बार जब प्रभु यीशु मसीह आ रहा है वो एक सिंह की तरह आ रहा है, पहले बार आया एक मेमने की तरह, दूसरे बार आ रहा है एक सिंह की तरह। तो क्या आपने उद्धार पाया है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में जाना है? तो क्या आपने प्रभु यीशु मसीह का एक मेमने के रूप में स्वीकारा है पहले? क्योंकि दूसरे बार जब आएगा तो बहुत देर हुआ होगा। तो ये चीजें जो है प्रकाशित वाक्य 4 और 5 में है, और छठा अध्याय से जब हम जाएंगे तो वहां से प्रभु यीशु मसीह का जो क्रोध है वो दुनिया पर गिरने वाला है। और इसीलिए ये जो पांचवा अध्याय 9 और 10 जो है ये गीत हम लोगों का गाना है, ये मंडली का गाना है, और सिर्फ मंडली के लोग, विश्वासी लोग जिन्होंने आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो इस गीत गा सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से बचे हैं। तो स्वर्गदूत ये गाना नहीं गा सकते हैं, वो जो 4 जीव जो है वो नहीं गाना नहीं गा सकते हैं। सिर्फ मंडली ऐसा विशेष लोग है जो गा सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से उद्धार पाया है, और वो एक विशेष गाना है जो 5वां अध्याय और 9 और 10 में जो गीत है वो हमारे लिए गीत है। और इसी में हम लोग संतुष्ट रहेंगे, इसी में हम लोग आनंद रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपने लहू से बचाया है। और ये बड़े खुशखबर है और सुसमाचार है हमारे लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हम उस आने वाले क्रोध से हमको बचाया। और आगे जब हम बढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह का क्रोध कितना भयंकर और भयानक है वो हम लोग आगे देखने वाले। तो मैं यहीं पर अपना संदेश बंद करता हूँ। सबको मैं दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ और जय मसीह करता हूँ। प्रभु के नाम की महिमा।